तो मित्रों हम लोग बात करते हैं आज HTML पे। HTML क्या होता है, HTML यूज कहाँ कहाँ होता है, इस चीजों के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे मित्रों। तो सबसे पहले हम जानते हैं HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी मतलब क्या हुआ कि जो हमारा HTML होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा HTML के बारे में बताऊंगा, ताकि ज्यादा बड़ा वीडियो देखने से अच्छा है कि हम छोटा छोटा क्लिप देखें, वो ज्यादा हमें समझ में आता है मित्रों। तो हम छोटा वीडियो बनाते हैं HTML के ऊपर। तो अगर सबसे बड़ी बात ये है कि जो HTML होता है वो हर जगह होता है, हमारे फेसबुक पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलते हैं तो उसमें HTML का प्रयोग हुआ ही हुआ। एक राइट क्लिक करके किसी पे आप जाइएगा, फेसबुक पे चले जाइएगा और राइट क्लिक करिएगा और डालिएगा व्यू पेज सोर्स। यानी जब राइट क्लिक हम करेंगे तो लास्ट का सेकंड ऑप्शन आता है हमारा व्यू पेज सोर्स। उसमें क्या होता है, जिस पे आप हम लोग क्लिक करेंगे ना तो उसमें शो करेगा, पूरा HTML की कोडिंग शो कर देती है सामने ही। क्यों? क्योंकि वो जो वेबसाइट है एक्चुअल में क्या होता है ना कि वो वेबसाइट HTML से ही बनी होती है। तो HTML जो वेबसाइट बनी हुई है, जब हम राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे तो तुरंत हमारी HTML की वेबसाइट खुल जाती है मित्रों। तो हर जगह HTML है। ठीक है, ये जो HTML की वेबसाइट होती है इसमें कोडिंग की जाती है, विदाउट कोडिंग कोई वेबसाइट नहीं बनती है, चाहे उसमें कोई भी लैंग्वेज यूज हो, जावा, पाइथन, HTML, .NET, PHP, कुछ भी हो, सी हो, उससे मतलब नहीं है। सारे वेबसाइट्स में कोडिंग होना ही होना है, तो इसमें भी ये कोडिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बात को ध्यान समझिएगा हमारे, ये HTML जो होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है मित्रों। कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। और इसको हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, यानी एवरी वेब पेज पे, यानी सारे वेब पेज पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑल वेब पेज पे यूज करते हैं, ऑल वेब पेज पे इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये इजी होता है, इजी एंड फास्ट, यानी कि आसान और तेज होता है मित्रों। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं बाय HTML ऑफ .HTML से। ठीक है, इसको यूज करने के लिए मित्रों हमें नोट पैड चाहिए। क्या चाहिए? नोट पैड चाहिए या और नोट पैड प्लस चाहिए, नोटपैड प्लस चाहिए। मतलब क्या हुआ कि इसको यूज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की यूज होती है, दो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है, एक तो नोटपैड चाहिए होता है या तो कोई भी ब्राउजर चाहिए, यानी ऑल ब्राउजर में से कोई भी एक ब्राउजर हम आसानी से यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्रोम हो, जावा हो, ओपेरा हो, फायर, कोई भी हो, तो हम आसानी से किसी भी लैंग्वेज को यानी किसी भी ब्राउजर को आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हम नोटपैड पे टाइपिंग करते हैं और कहां दिखाते हैं, ला करके सर्च इंजन पे। ठीक है, किसी भी सर्च इंजन पर हम लाके दिखा सकते हैं। और एवरी थिंकिंग वेबसाइट, आपको पता है कि इस दुनिया में इस समय हमारे पास, आपके पास, हर जगह सब कुछ नेट पे है। चाहे हमें खाना खाना हो, चाहे हमें शॉपिंग करनी हो, चाहे हमें मूवी देखना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब कुछ है नेट पे। यानी मतलब मोबाइल खोला, ऑर्डर किया, आधे घंटे में स्विगी ने खाना लेके आ गया आपके पास। ठीक है, शॉपिंग करना है, हमें पैंट पसंद नहीं आ रहा, हमें शर्ट पसंद नहीं आ रही है, हम क्या करेंगे, अमेजन फ्लिपकार्ट खोल के तुरंत शॉपिंग कर लेते हैं। मूवी देखना है कल जा करके, तो आज हमने टिकट क्या किया, बुक कर दिया। ये सब कुछ संभव कहां से है? HTML से ही दोस्तों। किसे संभव है? सब कुछ जो संभव है वो HTML से है। ये क्रिएट इंटरफेस करता है दोस्तों, यानी कि इस यूजर को इंटरफेस करता है, जो सबसे पहले हमें वेबसाइट पर दिखता है, जो हमें फील कराता है इंप्रेशन को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है हमें, एडिटर जो कि एडिट करता है यानी नोटपैड पे जो राइट करता है, दूसरा वेब ब्राउजर यानी कि जिसपे हम लोग सर्च करके आसानी से यूज करते हैं। तो ये हमारा है पूरा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बाकी ये छोटी सी वीडियो है, हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे HTML क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों यही बहुत बहुत धन्यवाद।